तो दोस्तों एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल उज्ज्वल संसार में स्वागत है। दोस्तों आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं, सिखाने वाले हैं कि स्केच कैसे काटे जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्केच कैसे काटे जाते हैं आप लोग अपने क्लास में या कहीं पे या आपके जो टीचर्स हैं उनको देखे होंगे, स्केच ऐसा लिए होते हैं जो कट होता है और उसे काफ़ी अच्छे तरीके से उससे लिखते हैं। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो जो पेंटर वगैरह होते हैं वह जैसे दीवारों पे लिखते हैं, जो अक्षर बनाते हैं वह कितने अच्छे तरीके से बनता है। अगर आप ध्यान से देखे होंगे तो आपके जो बुक में कुछ अक्षर होते हैं वह भी काफ़ी अच्छे तरीके से बने होते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कैसे स्केच काटा जा सकता है और कैसे उससे अच्छे से अच्छे तरीके से लिखा जा सकता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, आपको मार्केट में 2 से 3 रुपये का एक स्केच मिल जाएगा। आप लोग ध्यान से यहाँ पर देख सकते हैं, 2 से 3 रुपये का एक स्केच मिल जाएगा और स्केच लेने के बाद आपको चेक कर लेना है कि उसका जो नोक है वह काफ़ी बड़ा होना चाहिए और उसके बाद 2 से 3 रुपये का एक मार्केट में एक ब्लेड आ जाएगा और हमें इस प्रकार पकड़कर उस पर एक कट लगाना है। जी हाँ दोस्तों, हमें इस प्रकार से पकड़ना और उस पर कट लगाना है और कट लगाने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इसका शेप कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिए, या कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। उसके बाद हमें पलट के फिर इस पर 1 से 2 कट लगाने हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके विपरीत साइड में आप लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए, इसके पीछे एकदम मतलब आगे भी लगाए हैं कट, उसके बाद उसके पीछे हमें 1 से 2 कट लगाना है और कट लगाने के बाद इसका शेप कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। आप लोग ध्यान पे से देख सकते हैं। उसके बाद हमें फिर पलट के पहले वाले साइड पे ही 1 कट और लगाना है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए और काफ़ी अच्छे से आप लोग इसे काटिए घर पर। देखिए यहाँ पर 1 कट और हमने लगाया और कट लगाने के बाद आप देखिए इसका शेप कुछ इस प्रकार से बन गया। तो दोस्तों इसे काटने में कोई बड़ी बात नहीं है, काफ़ी लोग इसे बताते नहीं। तो दोस्तों यह सब बताने के लिए, यह सब जानने के लिए वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और अब हम चलते हैं इससे कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों लिखने के लिए आपको देखिए एकदम सीधा स्केच को सही तरीके से पकड़ना है और सही तरीके से पकड़ने के बाद आप इसे आराम से जो वर्ड चाहेंगे वह वर्ड लिखा जाएगा। दोस्तों यह काफ़ी अच्छे तरीके से लिखाया जा रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगर इस तरीके से आप बोर्ड पेपर या किसी भी कंपटीशन या कहीं भी आप इस स्केच से इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे नंबर दिए जाएंगे। और दोस्तों कुछ समय में बोर्ड का एग्ज़ाम होने वाला है, तो जो स्टूडेंट बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं या कोई सा भी एग्ज़ाम या उनके जो भी हैं इंटरव्यू वगैरह में जो नोट्स वगैरह लेके जाते हैं, अगर दोस्तों उसमें आप इस तरीके से अपना नाम उम लिखे रहेंगे तो सामने वाला देख के ही या आपको जाँच लेगा कि यह बंदा, इसका राइटिंग कितने अच्छा है और यह कितने अच्छे से पढ़ाई करता है। तो दोस्तों यह सब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, आपको बस लेना है, आज ही जाइए मार्केट में, 2 से 3 रुपए का दोस्तों यह स्केच मिलेगा और 2 रुपए का शायद एक ब्लेड मिलेगा। तो आप उस ब्लेड को लेके इस स्केच को काट लीजिए और स्केच को काटने के बाद आराम से घर पे बैठ के बोर्ड परीक्षा की तैयारी कीजिए। और दोस्तों अगर आप एग्रीकल्चर के छात्र हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि दोस्तों हमारे इस चैनल पर एग्रीकल्चर से जुड़ी नई वीडियो आप लोगों तक तुरंत पहुंचती है। दोस्तों आप लोग तो जानते ही होंगे, और अगर आप लोग इस स्केच से लिखना चाहते हैं, जैसे अभी हमने हाँ लिखा, और अगर आप लोग इस स्केच से लिखना चाहते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, अगर आप लिख नहीं पा रहे हैं तो आप लोग एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम इस पर पूरा एक ट्यूटोरियल बना देंगे, पूरा वीडियो बना देंगे पूरे एकदम अच्छे तरीके से कैसे एक एक वर्ड लिखा जाएगा। दोस्तों तो यही था आज का वीडियो, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।